कोविड-19 वैक्सीन के लिए आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स का शुरू हुआ टीकाकरण। हिसार जिला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी, एसएसपी बलवान सिंह राणा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने लगवाया कोविड-19 का टीका। आज जो वैक्सीनेशन सेशन है हिसार में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए स्टार्ट किया गया है, तो बहुत खुशी है हमें कि हिसार जिले के अंदर जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें सरकार के द्वारा ये सुविधा प्रदान की गई है। और बहुत ही जिस स्पीड से वैक्सीनेशन भारत में उपलब्ध हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि लोग जो फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनका आज डेजिग्नेटेड है, जिनका आज शेड्यूल्ड है, वो सभी लोग आज वैक्सीनेशन कराएंगे और अपने आप को कोविड से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। हिसार में आरटीओ ने किसानों को खाना देने जा रही गाड़ी का किया चालान। विरोध में किसान पहुंचे आरटीओ ऑफिस। आरटीओ ने कहा, मैं चालान रद्द नहीं कर सकता क्योंकि ऑनलाइन है, लेकिन मैं चालान अपनी जेब से भर दूंगा। करनाल, मनोहर लाल का जनता दरबार। कुरुक्षेत्र के कृषि विभाग की हेड ड्राफ्टमैन समेत दो को किया सस्पेंड। 6 गांवों में 2 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। रोहतक सेलिब्रेशन में एक्सीडेंट। 24 परिवार के कार्यक्रम में नाइट्रोजन बैलून में ब्लास्ट। सांसद अरविंद शर्मा की बेटी और पूर्व मंत्री समेत 8 झुलसे। चंडीगढ़, परीक्षा की घड़ी। चंडीगढ़ में कंबाइंड डिफेंस सर्विस की सीटिंग की परीक्षा संपन्न। शहर में स्कूलों और कॉलेजों में 47 परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे स्टूडेंट्स। बाहर परिजन इंतजार में बैठे रहे। अंबाला, कोविड-19 आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी कोरोना वैक्सीन। कोविड पोर्टल पर 6,439 रजिस्टर्ड। पानीपत, SDVM सैलरी विवाद। SDVM में 10 दिनों से ऑनलाइन क्लास के साथ स्कूल भी बंद। पढ़ाई शुरू कराने की मांग करने पहुंचे स्टूडेंट्स। पास आउट स्टूडेंट्स भी धरना दे रहे, टीचरों के पक्ष में उतरे। सांसद संजय भाटिया से की मामला सुलझाने की मांग। भिवानी के कितलाना टोल पर महापंचायत में राकेश टिकैत बोले, ये आजादी की लड़ाई है, लड़ते रहेंगे। सिरसा, CDLU नए शिक्षा सत्र में 100 से ज्यादा MOOC कोर्स पढ़ सकेंगे विद्यार्थी। विश्वविद्यालय ने इन कोर्स को लागू करने के लिए मंथन करना शुरू कर दिया। सिरसा, किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ। कहा कमल पाल गुज्जर ने। रोहतक, महम 24 के चबूतरे पर सर्व खाप किसान सम्मेलन होगा 11 फरवरी को। फतेहाबाद, कृषि कानूनों के लिए कांग्रेस सबसे बड़ी दोषी। कहा अभय सिंह चौटाला ने। चरखी दादरी, किसान महापंचायत में जुटे 15,000 से अधिक किसान। मंच से 5 प्रस्ताव हुए पारित। कैथल, आम बजट पीएम नरेंद्र मोदी के विश्व में उभरते आत्मनिर्भर भारत संकल्पों का योजनाबद्ध दस्तावेज है। कहा सांसद नायब सैनी ने। करनाल, शीघ्र होंगे पंचायत चुनाव। दिल्ली कर रही किसानों से बात। कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने।